ये फिल्म किसी भी मौजूदा या पुरानी जाति के जीवन से संबंध नहीं रखती। अगर कहीं कोई बात मिलती जुलती है तो सिर्फ आकस्मिक है। जीवन नाग के मुंह से जहर निकालकर पेट की आग बुझाना शूरवीरों का काम है। ये हम रागी मौत से खेलने वाले, कागों की छाया में सोने वाले, पहाड़ों से टकराने वाले, आंधियों और बिजलियों से लड़ जाने वाले नागों को सदा अपने बस में करते चले जा रहे हैं। लेकिन इस जंगल की सीमा के पार एक ऐसा नाग रहता है जिस जहर बूंद बूंद करके हमारे शरीर में समा रहा है, और हम हैं कि वो जहर। शहरों में ऐसा होता होगा, ये जंगल की रीत नहीं। नागी, रीत का पालन करना जानते तो पुरखों की बनाई हुई दोस्ती यूं दुश्मनी में बदल ना जाती। 10 वर्ष हुए बसंत ऋतु के मेले में उन्होंने हमें धोखा देकर हमारा सारा जहर मट्टी के मोल खरीद लिया। ये जहर का नहीं, दोस्ती और दुश्मनी का सौदा था, युगों के बंधे हुए नातों का, प्रीत और प्यार का व्यापार था। उस दिन से हमारा उनका संबंध टूट गया। हम गरीब थे इसलिए व्यापार का नाता तोड़ ना सके। अब 10 वर्ष के बाद फिर वही मेला आ रहा है और बदला लेने का समय भी। मेरा फैसला है कि अब की बसंत ऋतु के मेले में हम अपनी मेहनत का फल आप खाएंगे। नागी टोली को हमसे जहर की एक बूंद तक न मिलेगी। क्या तुम मेरा फैसला स्वीकार करते हो?
बैरी शत्रु बस निकला। बुरा हुआ, बैरी को खबर हो जाएगी। होने दो, हम खुद भी यही चाहते हैं। बगैर किसी कारण, बिना किसी अपराध के आज रागियों ने नागी खून को ललकारा है। जंगल की रीत है दोस्ती का बदला दोस्ती और खून का बदला खून। आज रागियों के कमान से निकले हुए तीर की चुभन नागी टोली के हर सीने में खटक रही है। तुम्हारे सरदार की प्रतिज्ञा है कि आज जिस हत्यारे ने मेरी संतान का खून बहाया है, कल उसका सर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। बापू, मेरे होते हुए तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं। मैं हूं तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी। शत्रु का सीना मैं तीर का निशाना होगा। हाँ बापू, उसका सर मैं तुम्हारे कदमों में लाकर डालूंगी। क्या है उस बेरी का नाम? सनातन। सनातन, यह है सनातन की मौत का संदेशा। बापू आशीर्वाद। कल भोर में टोली के बच्चे बूढ़े पुरुष नारियां सब सीमा पार माले जंगल में मेरे साथ सांप पकड़ने चलेंगे। और सबसे जहरीले नाग सनातन को मैं खुद पकड़ूंगी। अरे नीलम, आज माला इतनी चुप चुप क्यों है? करे भी क्या बेचारी, बड़े जहरीले नाग को पकड़ना है ना। जहरीला हुआ तो क्या, मुझे बचकर कहां जाएगा? इतना घमंड ना कर माला, नाग का नाम भी सनातन है। तो मेरा नाम भी माला है, जिसके गले पड़ गई जान लेकर छोड़ूंगी। सब तैयार है क्या? जी हाँ सरदार। सनातन कहां गया? आगे गया है। अच्छा सब चलो। जाओ भी दौलत कोने कोने से निकल कर तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। तो जाओ, जवाब दो। सनातन, हमारी हार हो रही है, कहां है तुम्हारी बीन का जादू? Thank you.
खा गया फरार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे, दिल खा गया फरार रे, कौन बजाए नारी के रूप में
मस्त नागिन। तुम्हारा नाम? सनातन। सनातन, नागियों का खून बहाने वाले, अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। एक और, और एक। जिंदगी भर नहीं छोड़ती। और नागी शत्रु की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो उसका सब कुचलने के लिए, और रागी नफरत को प्रीत में बदल देने की शक्ति रखते हैं। प्रीत और तुमसे। बेटा वाह, रागियों का हुर्रा, रागियों का हुर्रा। नागियों के सरदार, कुछ बोलोगे या सांस सूंघ गया? मैंने कहा जंगल में क्या पकड़ने आए थे, सांप? बसंत ऋतु के मेले में यही हंसी आंसू बनकर न डपकी तो मेरा नाम भी भोपाल नहीं। अरे जाने माला, माला, ओ माला, माला, माला। नफरत कि जंगल की रीत भी भूल गई, सोते पे वार, और वो भी उसी के हथियार से। खैर कोई बात नहीं, रागियों ने नागियों के हजारों अपराध क्षमा किए हैं, एक सुंदर अपराध और सही। चलो मैं तुम्हें तुम सीमा तक छोड़ाऊं। जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकती। सुंदरता के घमंड में ना समझ ना बनो, खाना जंगल है और ये भयानक रात, जरा इस फूल सी जान का तो ख्याल करो। खबरदार जो मेरा पीछा किया। अभी तक तुम हमारी सीमा में हो और हमारे मेहमान, कल राजियों पर यह दोष ना आए कि वो नागियों की सुंदरता की रक्षा ना कर सके। खबरदार जो यहां से हिली। ये मत भूलो, मेरी बीन का जादू तुम्हें मस्त कर चुका है। उठाओ बीन। बीन, बीन ना उठाना। बीन ना उठाओ तो बस में आई हुई नागिन भागने निकलेगी।
सनातन, बस करो बस। शिकार करने को आए, शिकार होके चले। सनातन, तुम अभी लौटो। और अगर जाने को जीना चाहे? नहीं जानती, तुम्हारी जान यहाँ खतरे में है। जान? अरे जान तो उसी वक्त से खतरे में है जब से तुम्हें देखा है। ये हंसी खेल का वक्त नहीं सनातन, जल्दी वापस ले जाओ। कहाँ? खुद किनारे पे आके मुझे मंझधार में छोड़ जाओगी? तुम नहीं जानते सनातन, अब ये किनारा मेरे लिए भी मंझधार बन चुका है। ये क्या है? इस तीर से मैंने तुम्हारी जान लेने की प्रतिज्ञा की थी और यही तीर बच रहा। नागन, तुम क्या जानो किस तीर से हमारी जान गई? सनातन, फिर कब आओगे? ये पूछो कब नहीं आऊंगा। ये बीन मेरे दिल की पुकार है, इसकी आवाज पर चली आया करना। माला जीवित है। जीवित है? हाँ सरदार, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो आ रही। वो देखो चली आ रही। मर क्यों नहीं गई? जीते जी क्यों आ गई? बोल कहाँ थी? बोल। बापू, बापू, बापू गया नरक में, बता रात भर कहाँ रही। मैंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा तो हमारी सीमा में नहीं थी, शत्रु की सीमा में थी। कौन था छात्र? बापू, मेरी भी तो सुनो। बोल बोल। शत्रु की सीमा में जरूर थी, लेकिन लेकिन तुम नहीं जानते कितनी मजबूर। क्या हुआ था तुझे? जब मैं अपनी टोली से बिछली तो सामने से न जाने कितना लंबा चौड़ा भयानक नाग आ निकला। नाग? हाँ बापू हाँ, पहले उसने मुझे घूर कर देखा, फिर मैंने उसे। फिर किसने तेरी जान बचाई? देव की कृपा और तुम्हारी आशीष से, जीत तुम्हारी बेटी की भी। बेटी? मेरी बच्ची, आखिर किसकी बेटी? क्षमा कर दे अपने बाबू को, क्षमा कर दे। ये लूट का माल कहाँ लिए जा रहा हो? हम लुटेरे नहीं, व्यापारी हैं, समझे सरदार? सैकड़ों मील दूर दूर से देश विदेश से चीजें इकट्ठा करके लाए हैं सरदार, बसंत ऋतु के मेले में माल जमा कर रहे हैं। सरदार, चीज तो बहुत अच्छी है। अच्छी है? क्यों, क्या दाम है इन सब ढेरों के? बहुत महंगी चीज है सरदार। अच्छा, महंगी है? चलो सब लोग ले। ये कितनी अच्छी है। क्यों भाई बुड्ढे, क्या बेच रहा? गुलाब जामुन बेच रहा है। क्यों लोगे? ये रूप रंग सुंदरी, गुलाब तो तुम खुद हो। ए सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम
से चुंदर। कितना प्यारा नाम है, मुझे कन खजूरा कहते हैं। ए चूड़ी वाले, हमारी तरफ से इस सुंदर छछुंदर को जरा चूड़ियां तो पहना दो। हाँ हाँ आइए। हिम्मत है तो खुद पहना कर देखो। हिम्मत देखना चाहती हो? किसी और ख्याल में न रहना, मैं भी सरदार भूपाल की लड़की हूँ। चलो। सुंदर भी हो और बहादुर भी, लेकिन दिन नहीं देखना चाहता कि रागी भरे मेले में हमसे बाजी जीत जाए, उनके पास विष का भंडार हो और हमारी बोतलें खाली। तो चाहते क्या हो? कोई ऐसी समझा, सूरत तो अच्छी निकल आई। भूपाल, ये तुम्हारी लड़की है? हाँ हाँ, बड़ी सुंदर है। ओह, छोड़ो प्रदीप, पहले ये बताओ तुम मेरी सहायता करोगे? भोपाल, तुम्हें याद है मेरे पिता ने तुम्हारी लड़की के साथ मेरे विवाह की बातचीत छेड़ी थी? हाँ हाँ मुझे याद है। तो फिर मुझे सहायता से क्या इनकार? लेकिन सहायता के बाद मुझे मुंह मांगा इनाम दोगे? क्यों नहीं, मैं वचन देता हूँ। तो जाओ चैन से सो रहो, बसंत ऋतु के मेले में मिलेंगे। हाओ हाओ। हाय, पत्थर हो गई बेचारी। तो किसने कहा था कि सीमा पार के जंगल में जाना? अरे जब गीदर की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है। अरे हंसे खेल में न टलो, अभी पूरी जान नहीं निकली, धीमी धीमी नस चल रही है। तो फिर जाए, ऐसे रोग की दवा कभी कभी दर्द भी दवा बन जाता है। किसी तरह उसी बीन वाले जादूगर को बुलाया जाए, जिस मंत्र से जान गई है उसी मंत्र से लौट आएगी। Thank you.
गजरा लगाओ, माथे बिंदिया सजाओ, मोरे रंग दो गुलाबी चुनरिया हो, मोहे जाना है पीती नगरिया। सुन री सखी मोरे सजना बुलाए, रात और आज का दिन मालूम होता है पीछे चुप बीत गए। हम कहाँ हैं? वहां जहां आकाश धरती को चूमता है, जहां उजाला अंधेरे की गहराइयों में समा जाता है, शांति से भरपूर, सबसे दूर, दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, जहां सिर्फ तुम हो, जहां सिर्फ तुम हो, मैं हूं। और हमारा प्यार Thank you.
जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया हो गया तेरा रात अब भर जादू जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया हो गया तेरा रात अब घर जाने दो मिलन तक यही होता रहेगा माला तुम हिम्मत ना हारना अच्छा बसंत ऋतु के मेले में मुझे कैसे पता चलेगा तुम सीमा पार पहुंच गए मेरी बीन की आवाज तुम तक पहुंच जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ तू यहाँ क्या कर रही है कुछ नहीं बापू अभी कौन था यहाँ यहाँ तो याद रख मेरे माथे पे कलंक लगाया तो टुकड़े कर डालूंगा चलो देखता हूं वो बदमाश कहां बच के जाता है देर करके आए प्रवीण क्यों क्या कोई जरूरी काम था क्या क्या तुम अपना वादा भूल गए वादा प्रवीण अपनी बात से टलने वाला नहीं मेरा वादा पत्थर की लकीर है सरदार अगर तुम चाहो तुम्हारे मित्र मेरे मित्र और तुम्हारे शत्रु मेरे शत्रु बन सकते हैं इस आचार्य पर मुट्ठी भर नागी इस तरह बर्बाद हो जाएंगे कि रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस जाएं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएं लेकिन लेकिन क्या लेकिन क्या लेकिन मेरा इनाम कह चुका हूँ जो मांगोगे मिलेगा सरदार मैं जो इस वक्त मांग रहा हूँ वो दे सकोगे क्या अगर के पीछे हटने वाला नहीं प्रवीर
तुम अपने वचन का पालन करो और वक्त आने पर मैं अपनी बात निभाऊंगा। सरदार अगर आपकी जाओ बेटा जाओ, ये कोई पराया थोड़ी है, जाओ जाओ। जल्दी करो भाई जल्दी करो, कितना देर कहाँ गए थे तुम लोग, किधर? चलो 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 बैठो बैठो बैठो। अरे भाई गंगाराम पापा अपना जल्दी कर। सजनिया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, ऐसे छोड़ना बलमुआ नैनुआ के डोर पहले जोड़ दे। अरे छोड़ दे सजनिया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़, ऐसे छोड़ना बलमुआ नैनुआ के डोर पहले जोड़ दे। आशाओं का मजा लगा रंगी प्यार से डोरी, तेरे मोहल्ले उड़ते उड़ते आई चोरी चोरी। आशाओं का मजा लगा रंगी प्यार से डोरी, तेरे मोहल्ले उड़ते उड़ते आई चोरी चोरी। मेरी दुनिया कहीं ना तोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, छोड़ना बलमुआ नैनुआ की डोर तेरे जोड़ दे। अरमानों की डोर टूटने खड़े हैं दुनिया वाले बांके चरखे वाले, अरमानों की डोर टूटने खड़े हैं दुनिया वाले बांके चरखे वाले। उसे नील गगन में छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, ऐसे छोड़ना बलमुआ नैनुआ की डोर पहले जोड़ दे।
बिलाती सैया बल खाती खिलाती चीरक बैरी जग का सीना गीत प्यार के गाती देखो गीत प्यार के गाती है किसने इतना जोर जो काटे दोर सामने आईना मेरी अतरिया पे छोड़ दे पतंग सैया छोड़ दे ऐसे छोड़ू न सजनिया नैनोवा की डोर पहले जोड़ दे सैया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे गोरी नैनोवा की डोर पहले जोड़ दे सैया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे गोरी नैनोवा की डोर पहले जोड़ दे सैया छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे विष बेचने का समय आ गया विष बेचने वाले अपना अपना माल लेके आ जाए विष बेचने का समय आ गया माला मैं अपना विष बेच आऊं लोग मेरे राह देख रहे होंगे जब गरीब हक के लिए लड़ते हैं तो पेट की आग उन्हें एक तार में पिरो देती है आज तुमने हमारा एक बाजार बंद कर दिया तो क्या कल हमारी हिम्मत ऐसे 100 बाजार खोलेगी और हम नगर नगर जाकर अपना विष बेचेंगे और हम साये की तरह तुम्हारा पीछा करेंगे जहां एक बूंद बेचना चाहोगे वहां हम जहर का मुफ्त बहा देंगे मेरा विष खरीद लो मैं खबरदार जाओ ये मेरा आदमी है मेरी संतान है संतान होगी तुम्हारे नगर में ये खुला बाजार है जहाँ हर किसी को विष बेचने और खरीदने का अधिकार है टक्कर लेना चाहते हो टक्कर बराबर वालों से होती है परवीर ने जहर के रूप में हमारा खून बहाया है परवीर देखा सरदार दुश्मन का लहू विष बनकर धरती पर बह रहा है अब लाओ हमारा इनाम माला कहाँ अभी लो माला अरे कहाँ गई माला एक लड़की को जीतने तुमने इन गरीबों के पेट पर लात मारी है सनातन हाथी जानवर ही तो है बेकाबू जानवर नहीं इसका मालिक भी जानवर मालूम होता है जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं वो धरती से आकाश की तरफ उड़ना चाहती है और इसी कोशिश में जान दे बैठती है यही तो देखना है जान किसकी जाती है अपनी जवानी पर रहम खाओ जाओ मुझसे टक्कर ना लो जुबान ही से लड़ना जानते हो या ये बात है तो मैदान में पीछे हट जाओ हट जाओ Ah!
जी छोटा ना करो माला, धीरज रखो माला, जिसकी सब आशाएं मिट्टी में मिल गई हो वो मन को कैसे समझाए। माँ निराश की आशा उसका भगवान होता है बेटी, क्या वो तुम्हारे मन के दुख को नहीं जानता? वो जरूर तुम्हारी रक्षा करेगा। अब तो बात बिल्कुल पक्की हो गई। बेचारी माला, कुछ करना चाहिए, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अच्छा क्या करेगी तू, देखती जा मैं क्या करूंगी। देख नीला, वचन देता हूं अगले जन्म में मैं तुझी से ब्याह करूंगा। चल मैं तुझे सीमा बात छोड़ाता हूं। छक्का सत्ता, क्या लगाते हो सत्ता? 50 बोरी चावल सत्ता। मंजूर छक्का। फिर छक्का, फिर सत्ता। आप क्या क्या लगाते हो? 50 बोरी और। मंजूर। फिर छक्का। जरा संभल के सरदार, जितना हारोगे उतना कन्यादान में देना होगा। जानता हूँ तुम माल लगाओ। फिर छक्का, क्या लगाते हो? 25 बकरे। मंजूर छक्का। अरे सरदार हमारे, हार मानते हो या अभी कुछ दम बाकी है? अरे हिम्मत है तो मेरे अंदर आओ। सरदार आदमी के लिए कुछ उठा रखो, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अरे तुम कौड़ी फेंको। अच्छा क्या लगाते हो? पंजा। एक आ रहे हो सरदार? ये हमारी आवाज नहीं, आकाशवाणी है। आकाशवाणी जो साधु महाराज की आज्ञा। ए साधु महाराज, ये कोई मंदिर में घंटी बजाने का काम नहीं है, ये जुआ है जुआ। बोलो सरदार क्या लगाते हो? लगाओ पंजा, जो कुछ अभी तक हार गया उतना ही फिर से लगी। छक्का पंजा मारो। धन्य हो महाराज, आप तो देव का रूप है। कल्याण, कोई सेवा कोई आज्ञा? हम माया के लोभ में किसी का उपकार नहीं करते। फिर भी कोई हुक्म हो तो बताइए महाराज, मैं आपको खाली हाथ अपने द्वार से नहीं जाने दूंगा। कुछ नहीं तो भोजन ही कर लीजिए। अच्छा तुम्हारी खुशी के लिए हम भोजन कर लेंगे, लेकिन हाँ हम हर किसी का परोसा हुआ खाना नहीं खाते। महाराज जो आज्ञा देंगे पूरी होगी। हाँ महाराज, कोई कन्या है तुम्हारी? है या व्याहता? कुमारी है महाराज, कुमारी। फिर तुम हमारी आशीष के अधिकारी बन सकते हो। चंद्रमा उदय होने पर अगर तुम्हारी कन्या नदी में स्नान करके हमें अपने हाथ भोजन कराएगी तो हम स्वीकार करेंगे और उस कन्या को वो वरदान देंगे जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। ओम शंकर महादेव श्री वशंकर काटाला के नकंकर ओम ओम। ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा है बेटा, अभी प्रणाम कर ही ना, प्रणाम कर। कल्याण हो, कल्याण, कल्याण। सुन अति सुन, चांदनी का रूप
सरदार, बड़े भाग्य है तुम्हारे कि इस सुंदरता ने तुम्हारे घर में जन्म लिया। आ, लिखा है कन्या के मस्तक पर, साफ लिखा है कि शीघ्र ही इसके जीवन में एक महान प्रेमी आने वाला है। धन्य हो महाराज। माला, महाराज को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अपने हाथ से इन्हें भोजन खिलाना ही होगा। हाँ माला, जाओ जल्दी स्नान कर लो। सुनते आए थे जब भक्तों पर कष्ट आता है तो भगवान दर्शन देते हैं, आज आंखों देख लिया। अरे बड़े पहुंचे हुए साधु महाराज हैं, सुना है हिमालय की चोटी पर नंगे बदन 20 बरस बर्फ में बैठकर तप किया है। अच्छा हाँ, हाँ बेटा जरूर किया होगा। काशी देखी मथुरा देखी, देखे तीरथ सारे, कहीं न मन का मीत मिला तो आया तेरे द्वारे। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। करके जतन आया मन में लगन लाया, आँखियों में दर्शन प्यास। करके जतन आया मन में लगन लाया, आँखियों में दर्शन प्यास। प्रीत की इच्छा प्रेम की मांग रहा ये दास, मांग रहा ये दास। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। दुनिया से मुख मोड़ा, तेरे लिए जग छोड़ा, छोड़ दिया घर बार। दुनिया से मुख मोड़ा, तेरे लिए जग छोड़ा, छोड़ दिया घर बार। बन बन छाना मैंने तुझे देवी, माना मैंने, सुन ले मेरी पुकार, सुन ले मेरी पुकार। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। चुप चुप के मिलने के सिवा और क्या है मेरे बस में। मैं तुम्हारे साथ भाग भी तो नहीं सकती, भागने से दोनों टोलियों में खून की नदियां बह जाएंगी। हम अपनी दुनिया बसाकर हजारों घर तो नहीं जला सकते,
मिलन के रास्ते में चारों ओर अंधेरा ही होता है माला। जिसने दो दिलों में प्रीत का दीपक जलाया है वही उस रास्ते पर उजाला भी करेगा। लेकिन वो उजाला होने से पहले मेरा हाथ प्रवीर के हाथ में दे दिया जाएगा। ऐसा ना कहो माला, हमारा प्यार ही इस दुनिया का केवल हार है। माला 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 कुमा बन में माला बसी मोरे मन में हम सुना नहीं और तड़प के बाहर नहीं। जान प्यारी है तो चुपचाप चल जाओ यहाँ से। क्या है साधु महाराज, सगाई करने जा रहे हैं, जो हारी नगरी में तुम पर हाथ उठाऊं, मैं इतना मूर्ख नहीं। सरदार 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 सरदार, क्या है तुम, किस कारण आए हो यहाँ तुम? सगाई करने जा रहा था सरदार, निहत्था देखकर तुम्हारा बेटा मुझ पर टूट पड़ा। आज इसे जीता हूँ ही छोड़ूंगा। बहादुर गुटार फेंक दो, रीत के अनुसार हम इन्हें रास्ता देने पर मजबूर है। निहत्थों पर आकर्षा है कि घर में चूड़िया पहनकर बैठ जाओ। हिम्मत देखना चाहते हो तो तुम्हारी दुल्हन को आके चूड़िया पहना जाओ। देखो चूड़ी वाले, जाओ अभी जाओ, भोपाल की बेटी माला को सगाई के वक्त चूड़ियां पहना के आओ। मैंने माला को चूड़ियां पहनाने की कसम खाई है, सुनो ये कसम टूटी तो याद रखना। ये लो अपना इनाम। सरदार शाबाश, जाओ। चूड़ियां चूड़ियां हरी पीली नीली आसमानी चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां हरी पीली नीली। नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन इसको तो उधर रखो पापा। बेटी भाग कर लेकर सामने आता है, तू बेबस है, हम बेबस हैं। शगुन तो करना ही होगा माला, ये चूड़ियां पहन ले। हम जानते हैं ये मन से मन का लगन नहीं है, तुझे खाली हाथ कैसे विदा करें? जब मन की झोली खाली जा रही है तो हाथ खाली हो। तुम्हें कभी मेरे सलाहकार मिले? छुपा कर चूड़ियों में दिल की दुनिया बेचता हूँ मैं, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना आबाद रखना दिल परदेसी का, आबाद रखना आबाद रखना दिल परदेसी का, आबाद रखना। देना मुख मोड़ ना लेना के दिल मेरा, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना आबाद रखना दिल परदेसी का, आबाद रखना। Ah
बंधन तोड़ के लाया दिल के कीड़े जोड़ के, ओ तो मन का दर्पण तोड़ के लाया दिल के टुकड़े जोड़ के। ओ सारे जग से है देखो निराला रंगीला चुनी वाला, रंगीला चुनी वाला, सारे निराला रंगीला चुनी वाला। ये बात मेरी याद रखना दिल पर देसी काया, याद रखना प्यार की निशानी गोरी, याद रखना आबाद रखना दिल पर देसी काया, आबाद रखना। कब से ये सपने देख रहा था कि तुम्हारे हाथों में मेहनी मेहंदी होगी, तुम्हारी कलाई चूड़ियों से भरी होगी और मैं बारात लेकर आऊंगा। कितना अनोखा है ये नगर, न शहनाई न बाजा न बारात, फिर भी दुल्हन का मन खुशी से झूम रहा है। तो चलो मेरी दुल्हन, मैं तुम्हें नैनों की पालकी में बिठा कर ले जाऊंगा। मुझसे झूठ कब भेजा था प्रवीण ने चूड़ी वाला, देखता हूं बदमाश कहां बच कर जाता है। मारा 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 दरवाजा खोलो, खोलो मेरे घर भर को आग लगा दूंगा। हवाले कर दो, इसने तुमसे ज्यादा मेरी बेइज्जती की है, बदला मैं लूंगा। हड्डियां छूट कर रागियों की सीमा में फेंक दो, उन्हें भी पता चल जाए कि रागियों की इज्जत पर वार करने का क्या अंत होता है। सरदार सरदार बाहर आओ, बाहर आओ। इतनी रात के क्या बात है? अत्याचार, घोर अत्याचार सरदार। हुआ क्या है, तुम बोलते क्यों नहीं? किसने हाथ उठाया है मेरे बच्चे पर? और कौन हो सकता है सरदार? कौन? नागी? नागियों की ये हिम्मत जो मेरे कलेजे पर हाथ डालने लगे? संभालो अपनी अपनी बर्छियां भाले, आज वो नहीं या हम नहीं। कौन? बेटे पर वार कर चुका, हिम्मत हो तो अब उसके बूढ़े बाप के सामने आओ। ये सांप का बच्चा तक जीवित है, मैंने तो हुक्म दिया था कि इसकी पोटी पोट नोच ली जाए। इसकी पोटियां नोचने वाले का भी जन्म नहीं हुआ। जहां सनातन के खून की एक बूंद गिरेगी वहां नागियों के 100 सर कट कर गिरेंगे। अब नौबत नहीं है, ना भूलो, इस वक्त तुम मेरी नगरी में आए हो, मैं चाहूं तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं जा सकता। ऐसी धमकियां तुम जैसे कायर भी दिया करते हैं। अरे सूरमा हो तो सामने आओ, वार मेरे कलेजे पर हुआ है और वो तुम्हारे से, फैसला तुम्हारे और मेरे बीच में होगा। शायद तुम्हारे दिन पूरा हो चुके हैं। आज मैं इसका खून करके छोड़ूंगा। बापू, जलते के कारण मैं हूँ, खून करना है तो मेरा करो, मारना है तो मुझे मार डालो। समझा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरे बेटे का जवान खून आज जो मट्टी में मिला हुआ है उसे तुम्हारी बेटी की मांग का संदूर बनना चाहिए था। चुप रहो, इस आग के शोले को देखकर कौन चुप रहेगा सरदार? मेरे बेटे को दोष देने से पहले तुमने अपने घर की उमड़ती हुई आंधी को क्यों ना रोका? आंखें होते हुए भी तुमने क्यों ना देखा कि कसूर किसका है? सनातन तुम्हारे घर की तरफ बढ़ रहा है या तुम्हारी बेटी की सुंदरता उसे अपनी तरफ खींच रही है?
तुम अपनी इज्जत की आप रक्षा ना कर सके, अपनी बेटी के पाँव में जंजीर न डाल सके और कायरों की तरह मेरे बेटे को घायल कर डाला। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हारा बेटा भी निर्दोष नहीं, वो माला की सगाई के समय उसे छुप के मिलने आया था। जवानी दीवानी होती है सरदार, इस पर न तुम्हारा इख्तियार है न मेरा। अगर घर की लाज रखना चाहते हो, अगर चाहते हो रागियों और नागियों में शांति रहे, तो इसको बस्ती से दूर शहर ले जाकर जिसके हाथ में चाहो इसका हाथ दे दो। और सनातन ने वहां भी माला का पीछा किया तो? ऐसा नहीं होगा, मैं वचन देता हूं मैं सनातन को काबू में रखूंगा, लेकिन याद रहे अगर लगन के दिन शहनाइयों की आवाज मेरे बेटे के कानों तक पहुंची तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं। किसी का दिया त्यों शादी शहर में जाके करें, शादी हमारी ही नगरी में होनी चाहिए। प्रवीर, मैंने तुम्हें माला का हाथ देने का वचन दिया था, वो वचन मैं पूरा कर रहा हूँ। शहर हो या गांव, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं अच्छी तरह जानता हूँ सरदार, तुम रागियों की धौंस में आकर शहर जाने की सोच रहे हो। मैं पूछता हूँ तुम उनसे डरते किस लिए हो? मैं टंके की चोट पर शादी इसी नगरी में करूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। प्रवीर, जो काम शांति से हो सकता है उसके लिए लड़ाई क्यों? तुम्हें माला चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन ये शादी शहर ही में होगी। अच्छा, तुम भी अपनी जिद कर लो, लोग यही कहेंगे कि हम गीदड़ों की तरह भाग निकले। चलो, ये दोष भी हमने माला की खातिर अपने सर पर ले लिया। सरदार, सरदार जा रहा था। बोल। तुम तो जानते हो बाबू, माला के पास मूर्ख, हड्डियां तोड़ाकर भी तुझे चैन नहीं आया। जब तक माला का ब्याह नहीं होता मैं तुझे इस बस्तार नहीं जाने दूंगा। बाबू, ये जा से अंदर छोड़ दो मुझे। और अगर भागने की कोशिश करे तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मुझे बेटे की जान से अपना वचन ज्यादा प्यारा है। देखती क्या है, अगर तुझमें शर्म होती तो तू अपनी आंखें फोड़ लेती। ना ये आंखें सनातन से मिलती ना आज मुझे दुश्मन के सामने सर झुकाना पड़ता। अब मैं तुझे मौका ही न दूंगा कि तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला सके। से पहले मैं तेरे पर क्यों काट लूं? अब यह हाथ उस वक्त खुलेंगे जब तेरा हाथ परावीर के हाथ में दिया जाएगा। नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं?
अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अगर किस्मत में हमारा मिली मिलाप ना होता तो नदी की तूफानी लहरें तू भी मेरा रास्ता ना दिखाती। अब हम कभी ना बिछड़ेंगे। सनातन माला को मेरे हवाले कर दो। बापू मर मर के तुम्हारे बच्चे को जीवन मिला, अब तुम मुझसे उसका जीवन छीन लेना चाहते हो? कैसे बात हो तुम? मेरे बच्चे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं माला के बाप को वचन दे चुका हूं। तो क्या अपने बेटे के जीवन से तुम्हें अपना वचन ज्यादा प्यारा है? सनातन कभी कभी आदमी को अपनी आशाओं का खून खुद अपने हाथों करना पड़ता है। माला चलो मेरे साथ। बापू मुझसे मेरे प्राण मत छीनो। मैं मजबूर हूं बेटा, अगर तुमने माला को मुझसे छीना तो मुझे तुम्हारे सामने सर उठाना पड़ेगा।
अपने बाप के सामने सर उठाओगे? ये बाप बेटे का मुकाबला नहीं, सारो संसार की टक्कर है बाप। सनातन छोड़ दो, किसने पकड़ लो इसे, चलो। बापू माला, माला माला सनातन, बेटी ये दुनिया तुमसे छूट गई, अब इधर मुड़कर भी ना देखना। चलो बेटी। रही तुम्हारी अमानत, मैंने बेटे की आशाओं का खून करके अपने वचन का पालन किया है। औलाद पर तुम्हारे में भी है, बाप एक बार अपनी छाती पर पत्थर रख सकता है, हर बार में। कलंक जितना जी चाहे मारो, तड़पा तड़पा कर जान लेने से अच्छा है मुझे एक ही बार खत्म कर दो। तेरी ये आशा भी पूरी किए देता हूँ। सनातन लज, फिर उसका नाम सनातन। अब बोल सरदार, होश में आओ सरदार। जान बचाई है तो इसका ब्याह होने तक इसकी लाज भी तू ही रख ला। याद रख, मैं लगन का सवाल लेने जा रहा हूँ, देखना अगर माल अपनी जगह से हिली तो मैं एक एक की जान ले लूंगा। इसे दम भर के लिए भी अपनी आंखों से उजल्ला होने देना। खाक होगा मारा, थिएटर के बाहर कुछ बीन बजा रहा है। बीन बजा रहा? जी हाँ, जो आता है वही खड़ा हो जाता है। मारा अबे बीन ना हुई, कृष्ण महाराज की मुरली हो गई। चलो हम देखते हैं। चलिए सर जी। बहुत अच्छे मारा, जवाब नहीं, जवाब नहीं।
क्या बीन बजाते हो मेरे दोस्त? क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछ कर क्या करोगे? नाम तक छुपाता है, मुझे सच्चा कलाकार मालूम होता है। ये दौलत तो समेट लो। ये वो दौलत नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा। मारा मारा, तुम्हें दौलत का लोभ नहीं, तुम इस धरती के रहने वाले नहीं। सेठ जी, इस महापुरुष को भगवान ने हमारे कल्याण के लिए भेजा। मारा, आओ दोस्त मेरे साथ आओ। कहा? मेरे थिएटर। भगवान जब तुम्हारे जैसा कलाकार बनाता है तो उसके लिए थिएटर पहले ही बना देता है। आओ, दो घड़ी के लिए मेरे थिएटर की शोभा बढ़ा दो। दो घड़ी के लिए आओ, दो मिनट के लिए आओ, दो दिन के लिए आओ, दो साल के लिए आओ, आओ दो। मारा मारा। मेरी सुगंध खा के कहता हूँ कि शहरी लोग दीवाने हो जाएंगे। दीवाने कौन है वो माइका लाल जो तुम्हारी बीन सुनकर कलाबाजी में खा जाए? बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, गाने, अंधे, लंगड़े, लूले, बिजली की तरह थे चमकते और तुम्हारे नाम की जय जयकार हो और सेठ जी के खजाने भर जाएंगे। मारा। इस थिएटर का मालिक कौन है? तुम या हम? तुम। मारा। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, माय बंधु, माय फ्रेंड, माय डार्लिंग, एक बार हाँ कह दो तो फिर देखना ये आसमान और वो जमीन एक हो जाएंगे। मालिक आप हैं। मारा, मालिक आप। तो तुम्हारा क्या फैसला है? क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई? बीन तो बजाओ, लेकिन मेरी बीन पर नाचने वाली कहाँ? अरे मेरे हीरो, एक नहीं हजारों मुन्नी भाई, चुन्नी भाई, छोटी भाई, बड़ी भाई, हमीदा, रिशिदा, अल्लम, गलम, चतू, चल, मैं चल, जिसको कहेगा आदर कर तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं समझे। अरे भाई, मैं तो परले दर्जे का गधा हूँ, अगर तुम कुछ समझाओगे भी। जंगल की पुकार तुम शहर वाले क्या जानो? सपेरे की बीन पर तुम भी नागी नहीं छू सकती। मैं समझ गया सेठ जी, मैं समझा। क्या समझे? मालिक आप है। मारा। लेकिन कलाकार ये कह रहा है कि नाचने वाली कोई जंगल की मोरनी हो। ठीक है, ठीक है। ये भी मारा। मेरे दोस्त, मैं तेरी शहर को धड़ के रख दूंगा, कुएं खुदवा दूंगा, सड़के उठवा दूंगा और तेरी मूर्ति को जहां से भी तू कहेगा हाजिर करके रखूंगा। बोलो मंजूर। मंजूर, लाख बार मंजूर। सेठ जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप पोस्टर लगवाइए, मैं ढंडोरा पीटता हूं। मारा। अरे सोए भाग जगा लो, बिगड़े खेल बना लो, एक ऐसी बन सुंदरी की जरूरत है, जरूरत है। है कोई सुंदरी जो नाम कमाना चाहे, लक्ष्मी को अपनी दासी बनाना चाहे, ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा, जो नहीं सुनेगा पछताएगा, जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। ये क्या शोर है? अरे भाई, ये शोर नहीं है, सोए नसीबे जगाने का ढोल है, ढोल। है कोई लड़की जो रूपमती थिएटर में नाचने के काबिल हो? एक दिन का 1000 मिलेगा। यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं, जाओ। ए ठहरो सरदार, अपनी माला जो है। तो क्या माला को नाटक में नचवाओगे? इसमें हर्जी क्या है, घर क्या, नाटक क्या, 1 रोज का 1000। अगर काम चल गया तो माला माल हो जाएंगे। प्रवीर, दौलत की लालच में आकर ये ना भूलो कि कल माला से तुम्हारा लगन है। लगन तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन माया रोज रोज नहीं आएगी। पहलवान, मान लो छोटे सरदार की बात, जीवन भर सांप पकड़ते फिरोगे, 1000 रुपया पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक तो कहता है सरदार, तुम्हें इनकार क्यों है? हाँ कह दो ना। मेरी हाँ और नहीं में क्या रखा है? मुझसे ज्यादा तो माला पे अब तुम्हारा हक है, चाहे नचाओ चाहे घर में बिठाओ। तो बात पक्की? पक्की। तो दिखाओ जरा नमूना। आइए। पक्की पक्की पक्की, ये लो पेश की। लेकिन हाँ, लड़की कल रूपमती थिएटर में पहुंच जाए। हाँ रवीर, तुमने मेरी आत्मा को खरीदना चाहा, खरीद न सके। अब मेरे शरीर को बाजार में नीलाम करोगे? कर लो, ये भी करके देख लो। किस्मत के ताले की चाबी आ गई। ये नहीं मारा।
क्या नाम है? मिस रंगली। मालिक आप वेरी नाइस। मेकअप करो, मेकअप श्रृंगार करो। हाँ हाँ ठहरो माला। हाँ पहले 1000 पेश की। 1000 दे दो सेठ जी, दे दो। जंगल में भी है, बिजनेसमैन भी है। ओके ओके 1000। ए तुम चलता फिरता नजर आओ। आइए चलो। कलाकार तुम्हारी कला की कसम, जंगल की मस्त नागिन है, तुम्हारी बीन पर नाचने के लिए पैदा हुई। बिल्कुल बिल्कुल मालिक आप मारा है। देवी, ओ देवी जी सनातन। क्या ये सपना? मार। अरे भाई सपना नहीं, नमूना है। नमूना खूबसूरती का अनमोल नमूना, राज्य भर के देख लो, देख लो। मारा मारा माला। सनातन माला तुम यहाँ? मैं इस नाटक कंपनी में नाचने आई हूँ सनातन। प्रवीर माया के लोभ में मेरे शरीर का नीलाम कर रहा है। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, नहीं तो ये आखिरी दर्शन भी न होता। आखिरी दर्शन? माला जीवन की सीमा पर आकर मौत की बातें? सनातन कल कल प्रवीर से मेरा लगन। तुम्हारा लगन? मेरा नहीं, मेरी लाश का लगन। ये देखो माला। मैंने अपने सिंगार की तैयारी भी कर ली। कल शहनाई की आवाज के साथ ये नाग मुझे हमेशा के लिए मुक्ति दे देगा। नहीं माला, मैं तुम्हें जान नहीं देने दूंगा। चलो इसी वक्त भाग चले। नहीं, भागना बहुत मुश्किल है सनातन। हर दरवाजे पर बाबू और प्रवीर का पहरा है। तो क्या हुआ, या ये पहरा टूट जाएगा या हम दोनों एक साथ मारे जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ तुम्हारे प्राण भी जाए। सनातन क्या किया तुम कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बाहों में अपनी जान दे दूं। लव ये नाग। ऐसा ना, कितने दिनों के बाद इन प्यासी आंखों में आज तुम्हें देखा है। ये जन्म जन्म की प्यास है सनातन। नाटक का मतलब जो सच्चे प्रेमियों को मौत की दीवार भी जुदा नहीं कर सकती। अब देर किस बात की है प्रवीर, तमाशा शुरू क्यों नहीं होता? अभी शुरू कराता। अबे ओ ए ए शुरू करा तमाशा। चुप तू बे, चिल्लाता क्यों? बाप है, जानते हो ये लड़की जो काम कर रही है, मैं इसका मंगेतर हूँ। मंगेतर है? मुझे माफ करना, शादी पर मुझे भी बुलाना। ये क्या है? अरे भाई ये अंग्रेजी बादल है, हम इसको गैस बोलता है। अरे भाई सब धुआंधार हो जाएगा। हाँ धुआंधार, धुआं धुआं आगे भागो। रवि यहाँ लड़की को हो जाए। सरदार अभी तो मैं ही घूमू, चलो आओ थिएटर वाले के पास। चलो चलो चलो। बता मेरी बेटी कहाँ है? तो कला ना मारो। भैया मेरा तो पहले ही बोल राम हो गया है, 1000 उसको दिया वो डूबा, 1000 इसको दिया ये डूबा। बताओ लड़की कहाँ है, नहीं तो आग लगा दूंगा थिएटर को। और मारा, अरे भाई आग क्या लगाओगे, रही क्या क्या, ये लो माचिस मुझे आग लगा दो। जान सत्यानाथ। वहां सत्यानाथ।
मालिक आप है मगर सेठ जी वो मिस रंगली और मिस्टर रंगल दोनों तुम दबा कर भाग गए। भाग गए? हाँ भाग गए। उधर पूरब से पश्चिम की तरफ, जल्दी करो वरना लौंडिया से हाथ धो बैठोगे। चलो सरदार। सनातन सनातन घोड़ा अच्छा है। भगाओ, चाबुक मारो, चाबुक मारो, भगाओ। भगवान शक्तिमान, मित्र को धन देने वाले, प्राण लेने वाले, सौगंध तुझे जती सती की, सौगंध है तुझे सर्प मर्यादा की, सौगंध है तुझे सर्वनाग की, मेरा मृत्यु तरह खाली रह जाए बलवान, तेरी विष भरी जीभ शत्रु के मस्तक पर वार करे, एक बार, दो बार, सौ बार, जब तक सनातन का शरीर भस्म न हो जाए, और जब मैं समाधि से उठूं, सनातन का ठंडा शरीर मेरे सामने हो। नागदेव, सनातन शरीर की बू पहचानो। एक बार, दो बार, जब तक सनातन का शरीर जलकर भस्म न हो जाए। प्रणाम नागदेव, प्रणाम। प्रणाम नागदेव, प्रणाम। प्रणाम नागदेव, प्रणाम। मैं जानता था तुम अपने कैदी को छुड़ाने जरूर आओगी। बापू का मंत्र से बिपरा हुआ नाथ मौत की आंधी बनकर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। भाग जाओ सनातन, भाग जाओ। नहीं माला, देर न करो सनातन, जल्दी से भाग जाओ। भागना है तो चलो एक साथ। नहीं माला, मोहब्बत की दौड़ में कोई नाग हमसे जीत नहीं सकता। नहीं सनातन, अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो बापू मेरी तलाश में धरती के दूसरे सिरे तक भी पहुंचेगा, वो तुम्हें जीता नहीं छोड़ेगा। सनातन तुम भाग जाओ। मुझे जीवन का लालच देकर अपने आप से जुदा करना चाहती हूँ माला? हाँ सनातन, तुम्हारे जीवन के साथ मेरे प्यार का सुहाग है। मैं बिछड़कर तुमसे दूर नहीं रहूंगी सनातन। मेरी सांस में तुम्हारा मधुर नाम होगा, मेरे रोम रोम में तुम्हारे प्रीत की खुशबू बसी रहेगी। मेरी प्रीत की सौगंध, भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और प्यार की तुम्हें तो मैं प्रेम दीवानी, मैं तेरा जहर पी जाऊंगी। लौट जाओ, मैं कहती हूँ लौट जाओ। लौट जाओ, मैं कहती हूँ लौट जाओ।
सनातन तुम्हें डसने के लिए नाग के पास भी नहीं रहा। तुम्हारी पुजारी ने सारा विष अमृत समझ कर पी गई। सनातन सनातन मेरा किया आप आ जा सनातन देखने बिना ये जान तन से नहीं निकलेगी। एक झलक मेरे मन पसिया एक झलक सनातन सनातन माला सरदार माला कोई जतन करो कि मेरी माला की प्राण वापस आ जाए। आपकी काठी के हजारों मंत्र है बुलाओ किसी जति को बुलाओ बुलाओ। जाओ उन पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो देवी देव प्रार्थना करो जति सतियों के पांव पड़ो साधु महात्माओं के पास मेरे लिए भीख मांगो। कह दो जो मेरी माला को जीवन दान देगा उस पर मैं सब कुछ निछावर जी छोटा ना करो सनातन। सुना है उन पहाड़ों की गुफा में एक बहुत बड़े साधु महाराज रहते हैं। इनके पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सांप को काटे वो दम्बर में अच्छा कर देती है। सच? महाराज मेरी प्रियतमा मुझसे बिछड़ गई है नागले उसे काट खाया। महाराज कोई ऐसा मंत्र ऐसा वरदान दो मेरी प्रियतमा के मुर्दा शरीर में फिर जाना जाए। मूर्ख ये मनुष्य के वश की बात नहीं। अगर तेरी प्रीत में तड़प है तो जा ईश्वर को पुकार अपनी प्रीत का नाम लेकर प्रभु का द्वार खटखटा। अगर उस प्रेम शक्ति ने तेरी पुकार सुन ली वही सांप जिसने तेरी प्रियतमा को काट खाया है। ओ रे माया गो ओ रे माटी को का को नाम लेने वाले
देने वाले जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला कहा करे दीप जब बुझ गई बाती बिछड़ गया तूने तोड़ी मेरी बिना देके सहारा छीना लाज तुझे क्यों न आती चैन मेरा लूट के बता तुझे क्या मिला जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे फिर क्यों बुझाए तूने दिल के उजारे मेरे मैंने कब तोड़े भला चांद सितारे तेरे फिर क्यों बुझाए तूने दिल के उजारे मेरे मुझे मेरी जान दे दे प्रीत को ये दान दे दे खोए हुए मेरे प्राण दे दिल मेरा तोड़ के बता तुझे क्या मिला ओ जिंदगी के देने वाले जिंदगी के लेने वाले प्रीत मेरी छीन के बता तुझे क्या मिला Thank you.
छोड़ दें ये मौत का जादू। हम दोनों एक साथ सफर पर निकले तो फिर आधी राह में क्यों मिल गई? याद कर, एक साथ जीने एक साथ मरने का वचन याद कर। सिर्फ एक बार जाग माला, फिर मैं भी तेरे साथ इस दुनिया से मुंह मोड़ लूंगा। मैं आ रहा हूं माला, मैं आ रहा हूं। सनातन, ये क्या कर रहा है मूरख? छोड़ दो मुझे। ये क्या? छोड़ दो। जिस संसार में माला नहीं उस संसार में मैं जीना नहीं चाहता। छोड़ पागल प्रेमी, माला इसी संसार में, वो तुझे छोड़कर कहां जा सकता? नहीं साईं, नहीं, माला नहीं है, वो लौट कर नहीं आ सकती। तुम समझते हो यमराज में इतनी शक्ति है कि वो माला के शरीर से आत्मा छीन ले? कारी कारी रतियां, ये कारी कारी रतियां। जाओ
बिछड़ा हुआ प्रेमी इस तरह नहीं मिलता। पिया मिलन के लिए तुझे परीक्षा देनी होगी, तुझे जलती आग में से गुजरना होगा। Thank you.
यार मिला, दिलदार मिला, मुझे एक नया संसार मिला। यार मिला, दिलदार मिला, मुझे एक नया संसार मिला। झूमती बहार आई, दिल को करार मिला। झूमती बहार आई, दिल को करार मिला। जाने ना दूंगी मुख मोड़ के, जी मोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के। ऊंची ऊंची दुनिया कह रहे हो सरदार, मत भूलो कि माला से मेरी सगाई हो चुकी है, वो मेरी मंगेतर है। तुम्हारी मंगेतर अपने प्राण त्याग चुकी है, ये मेरी बेटी का नया जीवन अगर है तो सनातन, जिसने उसको नया जीवन। इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, तुम्हें मेरी टोली से टक्कर लेनी होगी। परवाह नहीं, मेरे एक इशारे पर सैकड़ों बर्छियां बिजलियां बनकर सर पर टूट पड़ेंगी। मैं हंसते हंसते इस पर अपनी जान निछावर कर दूंगा। संतान कितनी प्यारी होती है, ये मुझे अपनी बच्ची के खो जाने के बाद ही पता चला। आज माला के लिए एक तो क्या, मैं 1000 जीवन का बलिदान दे सकता हूँ। देखा जाएगा कानवान। सरदार शपथ पढ़ो और खत्म कर दो इन सबको। नहीं सरदार, प्रेमियों पर हमारी बच्चियां नहीं उठ सकती। आ, आ, आ।
माला, मेरी माला, चलो बाल की तैयार।